हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी हमारी गाड़ी निकल चुकी है ऋषिकेश के लिए। पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हम आए हुए हैं हरिद्वार, तो हरिद्वार से अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश। पिछला ब्लॉग जिसने नहीं देखा हो देख लीजिएगा प्लीज़, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से पता चले डिटेल में कि हम कैसे आए, क्या क्या हुआ हमारे साथ, गाइस किस तरह से हम बाल बाल बचे, ये सब आपको देखने को मिलेगा पिछले ब्लॉग में, तो देखिएगा जरूर। एंड गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश, तो बहुत ही अच्छा और सुहाना सा सफर। आपको बता दूं, अगर आपकी खुद की गाड़ी है ना तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, हम कैब बुक करके आए थे, बट यहाँ पर आने के बाद पता चला कि गाड़ी होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और किसी भी तरह आपको एक गाड़ी रखना ही चाहिए ऐसी जगहों पर जाने के लिए। एंड गाइस, अभी हम लोग ऋषिकेश पहुँच चुके हैं, और बहुत ज़्यादा है इतनी ज़्यादा गर्मी की, मतलब हमारा गाज़ियाबाद दिल्ली भी फेल है इस वक्त जैसा यहाँ पे सिचुएशन है। एंड हम लोग आ गए यहाँ पे रेस्टोरेंट में, और हमने यहाँ पर आराम से किया भोजन यानी कि लंच। एंड गाइस, इस रेस्टोरेंट का जो खाना हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया, सबको पसंद आया। एंड जो यहाँ का डोसा था ना वो बहुत ज़्यादा यम्मी था। और देखिए, हम निकल चुके हैं फिर से अपनी मंजिल के लिए, और फाइनली पहुँच गए हम अपने डेस्टिनेशन पे यानी कि होटल। और मैंने आपको अच्छे से डिटेल में होटल का कुछ भी नहीं दिखाया, बिकॉज मैं बाद में दिखाने वाली हूँ, अभी रूम वगैरह का टूर कराऊंगी। एंड गाइस, शाम के 4 बज रहे हैं इस वक्त, हम लोग होटल के टेरेस पे आए हुए हैं, और हम देखने आए थे व्यू कि यहाँ से कुछ अच्छा दिखता है कि नहीं। तो ये जो होटल वाले, इन्होंने पूरा ही अपना ऐसे बना रखा है, एक साइड का सिर्फ व्यू दिखता है। एंड फिर भी काफ़ी अच्छा, हमने यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करवाए। और गाइस, हम लोग जाने वाले थे राफ्टिंग करने, तो राफ्टिंग भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया गया कि 4 बजे के बाद, शायद 4 या 5 बजे के बाद राफ्टिंग बंद हो जाती है, तो हम नहीं जा पाए। एंड इसके ऊपर जो है वाटरफॉल था, तो वाटरफॉल भी हम नहीं जा पाए क्योंकि शाम हो गई थी। हम वहाँ तक जाते तब तक अंधेरा हो जाता, और फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होता, वहाँ से आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, कोई गाड़ी वाड़ी का यहाँ कोई भी साधन नहीं था, इसे बहुत ज़्यादा ऊपर था हमारा होटल। तो इसके साथ हमने किया कुछ इस दिन का। सो गाइस, अभी सुबह का वक्त है, सुबह के 7 बज रहे हैं, और ये देखिए 7 बजे का क्या नज़ारा है, इतनी तेज़ धूप है। जैसा कि वैसे आज हम लोग चेकआउट करने वाले हैं होटल से, और इतनी ज़्यादा धूप है, सो देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और ये रहे हस्बैंड जी, हम लोग अभी आए हैं ऊपर, कि हमने सोचा एक तो फ़ोटो वगैरह शूट कर लेते हैं। अब हम गाइस, अब हम जाएंगे लक्ष्मण झूला, और वहाँ पर देखते हैं धूप का क्या सिस्टम है। धूप इतनी ज़्यादा है ना, आंखों पर मैंने ये लगाया चश्मा, नहीं तो आंखें मतलब देख नहीं पा रही मैं कैमरे पे। तो चलिए, बने रहिए ब्लॉग में आगे, और देखते हैं क्या क्या होता है, और अभी फ़ोटो वोटो शूट करवा देते हैं एक दो। सो वाह, कितना प्यारा नज़ारा है ना, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से व्यू। तो गाइस, ऋषिकेश है तो बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत सुंदर है, बट गाइस गर्मियों में आने लायक बिल्कुल भी नहीं है। सुबह के इस टाइम 7 बज रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि हम कड़कती धूप में हैं ऊपर, और हम अच्छे से फ़ोटो शूट भी नहीं करवा पा रहे थे, बट फिर भी हमने थोड़ा बहुत करवाया, मैंने एक दो रील्स बनाए यहाँ पर। एंड तो गाइस, इस तरह से कुछ था। और आप लोग आना ना तो कभी भी गाइस ठंडी के मौसम में आना, और हाँ, हमें वहाँ से लग रहा था कि शायद यहाँ मौसम ठंडा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। टेम्परेचर जो यहाँ का टेम्परेचर है ना, सेम दिल्ली और गाज़ियाबाद का ही था इस वक्त, कि हम जून में आए हुए हैं, अब आज के बाद कभी नहीं आएंगे हम इस बार से। एंड अभी मैंने हस्बैंड जी का फ़ोटो शूट करूँगी, और इन्होंने मेरा कर दिया, और हम करेंगे। तो हमारे रूम थे, ये नहीं, ये वाला है रूम, पूजा दीदी का 305 नंबर। ये हमारा होटल था कुछ इस तरीके से गाइस, दिस इज मेन हॉल आपको। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तो ये है लिफ्ट जहाँ से हम आते हैं, एंटर करते हैं। और मैंने कल वीडियो बिल्कुल नहीं बनाई क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, और मेरा मूड ही ऑफ था, तो मैंने यहाँ से वीडियो नहीं बनाई। एंड हम घुसते हैं यहाँ से फर्स्ट रूम में अपनी, ये है कुछ इस तरीके से। तो पहले आता है यहाँ पर ये मिरर, जहाँ पर हम लोग रेडी होते हैं, और इस तरह से भी कुछ रेडी हुई, मैं ढंग से रेडी नहीं हुई हूँ क्योंकि हमें अभी जाना है नदी में नहाने। और ये हमारा रूम है जो कि बहुत ही ज़्यादा कल अच्छा और सुंदर दिख रहा था, और आज जो है इसका हालत ख़राब हो चुका है क्योंकि सब इधर से उधर चीज़ें हो गई, आपको पता ही, जैसे कि अब लोग रहते हैं तो। एंड चलिए दिखा दूँ सेकेंड रूम में आपको, ये बच्चों को देखिए गाइस, ऐसा लग रहा है कि गोवा जा रहे हैं दोनों। एंड दिस इज, और ये है हमारा वॉशरूम जो कि काफ़ी अच्छा था, मतलब सही था, बहुत बढ़िया था, अच्छा वॉशरूम था। एंड यहाँ से चलते हैं हम पूजा दीदी के पास, पूजा दीदी हो चुकी हैं रेडी, तो आज ही यार हर चीज़ ऐसा क्यों हो रहा है, आज हम लोग पहने हैं कुछ अलग, तो आपने पहना है ऐसा। सो भाई चलिए, मिलवाती हूँ मैं आप सब आपको। हमारा ये है हमारा थर्ड रूम, रूम नंबर 8, और इस तरह से यहाँ पर बैठे हुए हैं सब लोग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूम की हालत इस तरह से ही होगी,
क्योंकि क्या चीज? हाँ लड्डू, क्या खा रहे बता दो हम गाइस को। चिप। और यहाँ पे ये मोबाइल के दीवाने मोबाइल में लगे हुए हैं, और मिस अंजलि जी खा रही हैं चिप्स, मम्मी खा रही हैं यहाँ पे क्या नमकीन, और मिस्टर विपिन जी गाइस में भी खिलाते हैं सबसे पहले। गाइस खा लीजिए, ये बहुत ही यम्मी लगा, टेस्टी होता है। बड़ी छोटी इसने बड़ा वाला पैकेट यहां रखा है। ए जी मजे आए? हां जी बहुत मजे आए, बहुत मजा आया। इतना मजा आज तक कभी किसी भी हमें टूर पे नहीं आया है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सच बता रही, इतना मजा कहीं नहीं आया था जितना यहाँ पे आया है। पूजा इधर तो इतना मजा आया ना कि भाई पूजा की तो और ये लोग 10 जन आ गए, ये लोग सरक गया क्या जी? अरे मान लीजिए चाय भाई छोड़िए, हम नीचे चल के पियेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पे चाय हम पियेंगे तो एक ही चाय में बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे। लेके जा रहे थे अच्छी लगी हो तो अच्छे से लाइक करना, वीडियो पे नया सब्सक्राइब कर लेना, अच्छे चैनल पे नया तो थैंक यू सो मच, बाय बाय करिए आप, बाय मम्मी, बाय मम्मी खा लीजिए, मम्मी खाइए, बाय ए जी, बाय बाय पूजा जी, जी जी है वो, बाय बच्चों, ए गुड डे, ए गुड डे बिहू। अरे ये दोनों गाइस, मैंने एक चीज नोट, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि तीनों ने सेम ड्रेस पहनी है, बस इनका प्रिंट अलग है। बिहू अपनी ड्रेस दिखाना गाइस को, अपनी ड्रेस दिखा दो, मैं अरे अच्छा इतने लोग पहले जा रहे हैं। तो गाइस अब हम लोग यहाँ से फाइनली चेकआउट कर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं, बाय 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 बाय। गाइस हम लोग चेकआउट कर चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं, बाय। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हमें व्यू मिला है तो हम यहाँ पे फोटो क्लिक कर रहे हैं बच्चों की, मुझे तो फिर भी ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं पूजा वही वाला स्टाइल आपका अच्छा लग रहा था। ओ भाई हाँ ये सबसे बढ़िया बेस्ट है एकदम। सो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं होटल से, और अब इसके बाद हम होटल वापस नहीं आएंगे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि इतना ऊपर था ना गाइस, सच में पहाड़, मतलब पहाड़ी है, बट हाँ यहाँ के लोग रहते कैसे हैं मैं तो ये सोचती हूँ, ऊपर नीचे इतना ऊपर चढ़ते कैसे फिर उतरते कैसे हैं, मतलब बाय गॉड यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है रहना, और जो यहाँ रहते हैं ना गाइस उनके लिए सल्यूट है कसम से, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ लगती है रहने में। एंड इसी के साथ हम करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, और अगले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ। तो